बात तो यो हुई थी कि प्रतियोगिता में चुनी जाने वाली बहू हमारे गांव की और खाना भी यहीं का होगा, लेकिन यो के रायते में नारियल डालने का रिवाज तो भाई हमारे यहाँ का तो ना है। कोई डाले है क्या रायता में नारियल? हाँ, पता नहीं यो मद्रासन कौन से प्रदेश का रायता बनाई है। ये मेरे वहाँ का पचड़ी है, मेरा अम्मा बहुत अच्छा बनाते है और वही मेरे को सिखाए। और केरल हो या हरियाणा, दही तो हर जगह दही रहता ना। लेकिन इस रंग बिरंगी चंपा चमेली ने एक बात बिल्कुल सही कही। सारी बहुओं को पहले ही बता दिया गया था कि खाना हमारे प्रदेश का बनेगा, यो रायता तो इस प्रतियोगिता का हिस्सा ना रहेगा। और नंबर तो थारे को इब खिचड़ी के हिसाब से ही मिलेंगे। और वक्त आ गया है दूसरे राउंड के विजेताओं का नाम बताने का। तो भाइयों और भाभियों, दूसरे राउंड के नतीजे हमारे पास आ गए और तीसरे नंबर पे आए हैं लक्ष्मी भाभी के बनाए हुए छोले, बम बम भोले। क्या बात है, क्या बात है। दूसरे नंबर पे है शालिनी भाभी की कचरी की सब्जी। और अब पहले राउंड पे है मीनू भाभी का बनाया हुआ बैंगन का भरता। जोरदार तालियों से मीनू भाभी के लिए। रे दिल छोटा क्यों करे है? रे ये दोनों राउंड तो 20-20 नंबर के थे ना। भी जो तीसरा यानी कि मिठाई बनाने वाला राउंड है ना, वो 60 नंबर का है। मिठाई बनाने में तो हम बाजी मार ही जावेंगे, क्यों चिंता करे है? ठीक है। दो प्रतियोगी इस राउंड से बाहर हो गए, दिव्याणी भाभी और कंचन भाभी। चौधरी साहब राम राम। गिरधारी, हमारे नंबर पर फोन क्यों किया? घने सालों से आपके दर्शन ना हुए, आपके दर्शन करने के वास्ते आपके गांव नथरौली आया हूं। यहां आया तो देखा कि औरता की प्रतियोगिता चल रही से। कहां है तू? अभी के आसपास हूं, नजर घुमा के देखिए सही। गिरधारी मारा हाथ छोड़। ना चंद्रन भाभी ना, आप बाहर ना जा सकते। गांव में किसी से बात तो न की तन्ने? अरे नाना चौधरी साहब, इस गांव में मैंने किसी से क्या लेना देना? फोन पे कौन सी रिकॉर्डिंग चलाई थी तूने? भाभी, संदेश पहुंचा था ना वो आधा अधूरा था। मैं आपको बताना चाहती थी कि नखरोली गांव में पहले से एक दवाखाना है। पहले से दवाखाना से? 26 साल पहले की बात है, जब मेरा मनोहर पैदा हुआ था उसका चेहरा देख पाती उससे पहले चौधरी साहब उसने देखे दवाखाने की तरफ चले गए। उस रात फिर चौधरी साहब अकेले आए गए, वो दवाखाने में क्यों लेके गए किसने कुछ नहीं मेरा। मारे को पता है उस रात ये हुआ था। उस रात मैं वहीं था दवा खाने पे। जो मैं थारे को करने ना दूंगा। अरे सुन मारी बात,
थारे को रोकना थारे बस की बात ना है। यो मैं सुना रहा था अपने फोन पे, चौधरी साहब यो आपका बड़ा भाई हरवीर से ना? पहले मेरे को लगा कि शायद मैंने ना लड़की को जन्म दिया है, इसलिए उसके साथ भी चौधरी साहब ने वो ही करा जो बाकी की चोरी के साथ में। अभी मेरे को कुछ साल पहले ही पता चला मेरा छोरा जिंदा है। याद रहे चौधरी बलवंत सिंह का छोरा है मनोहर। मेरे छोरे का नाम मनोहर है भाभी। उसकी परवरिश में कोई कमी ना आनी चाहिए। चौधरी साहब ने मेरे से दूर ले जाके कहीं और परवरिश कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं मेरे को कुछ नहीं पता। कहाँ पे है वो मेरे को बता दो, कहाँ रखा है आपने? इस बात का तो थारे को पता चल गया, लेकिन तूने कभी किसी के सामने अपना मुंह भी खोला? बिल्कुल भी नहीं, मैं किससे कशा में अपना मुंह नहीं खोलूंगी, कभी नहीं खोलूंगी मैं अपना मुंह। बस अपना बालक से मिलवा दो। मिलवाऊंगा, जिस दिन थारी सेवा ते मैं खुश हुआ ना, उस दिन थारे को थारे बालक से जरूर मिलाऊंगा। उस दवा कई राज दफन होंगे जिससे मेरे मेरे बेटे का मेरे को पता चल सकता है। मैं उसकी शक्ल देख सकती हूँ, भाभी मैं उससे मिल सकती हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाभी, और फूल और मोहिनी ना भूल के किसी भी तरह वो दवा करना ढूंढवा दो। खबरदार जो दोबारा उस रात की बात अपने जबान पर ते निकाली था। चौधरी साहब जिंदगी भर एक वफादार कुत्ते की तरह मैंने अपनी जबान बंद रखी, लेकिन अब जब जेब में दारू के वास्ते पिछड़ा होंगे ना तो मुंह तो खोलना पड़ेगा। मैं बोलू चौधरी साहब, यो 5,000 रुपए महीने देने आप बंद कर दो। सीधे एक ही बेर में मैंने 5,00,000 रुपए दे दो। जिंदगी भर मैं अपने अपनी शक्ल ना दिखा। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन दफा हो जाए यहां से, और आज के बाद किसी के सामने नजर ना आना चाहिए तू। जो कम चौधरी साहब बनना है ना मारे जैसा ताबोल, मारे में है वो बात है, मारे में वो बात भाई। नकरौली गांव वालों, हम सब तो जाने हैं कि हम सारे मीठे के कितने शौकीन हैं। तो अब शुरू होगा मीठे का तीसरा और आखिरी राउंड, जिसमें दिए जाएंगे पूरे 60 नंबर। तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी तालियों से ही हमारे प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ा रहेगा। देवरानी और जेठानी के बीच क्या बात हो रही थी? भाभी आपकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। मारे तबीयत के बारे में? दोनों के बीच में कितनी देर तक बात चल रही थी? ज्यादा देर तक ना हुई, 1 मिनट भी ना हुआ सर। सिर्फ 1 मिनट? ठीक है, तू जा। आज के तीसरे और अंतिम राउंड में मीठा बनाने के लिए मिलेंगे पूरे 1 घंटे का समय। देख अब तू हर फूल चौधरी का कमाल। अरे बंसी से जलेबियां बनानी सीखी है मन्ने, और हमारे हाथ की जलेबियों का ना कोई मुकाबला ना कर सके अब। ठीक है, और तीसरा राउंड शुरू होगा इस घंटे की आवाज के साथ। और तीसरा राउंड शुरू।
क्या किया? जान बूझ के थोड़ी ना करा मैंने। अन्ना तुम मैं बताऊं, इस प्रतियोगिता के चक्कर में हमारे नाखून तक निकल गए। रुक। ओ गंगा काकी, महारा तो बड़ा ध्यान रहे तन कि एक नजर उस मद्रासन पर भी डाल ले, देख कैसे महारानी बन के खड़ी है वो। जरा जाके बता सबको, देख हरपुल अकेला लग रहा है। एक मिनट भाई और भाभियों, भाई तीसरे राउंड में फिर से एक कलेश होने वाला है। हमारे जजेस के पास एक शिकायत आई है कि मोहिनी भाभी सिर्फ चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख रही हैं। जबकि भाई ने सिर्फ लुगाइयों की मदद करने की इजाजत है, मीठा बनाना तो भाभियों को ही पड़ेगा। के? तन्ने मीठा बनाना ना आवे? सॉरी, मैं ही अभी बनाता है। तुम? अयो, मैं ही लेफ्ट हैंड से ट्राई करता है। अरे बचे हैं सिर्फ 20 मिनट और अभी तक मद्रासन भाभी की जलेबी नहीं बन पा रही है। ये जलेबी तो मद्रासन की लिखाई की तरह लाग रही से। बड़ी दिलचस्पी से ना थारे को लिखाई पढ़ाई में, कहे तो एक पाठ मैं भी पढ़ाऊं तन्ने। हरपुल, मैंने कोई मतलब ही नहीं है। नहीं हो रहा है। अरे कोशिश कर, तू अड़ियल मद्रासन है, कदे हार ना मानने है। मैं कोशिश कर रहा है, लेफ्ट हैंड से वैसा गोल गोल अच्छा वाला जलेबी नहीं बन रहा मेरे से। एक बजे है 5 मिनट इस राउंड के खत्म होने में। हे भोले बाबा, योग क्या हो गया भाई? लागे आज हरपुल भाई के घर में मिट्टा खाने की बारी ना आने की, जो हमारी मद्रासन भाभी ने जलेबी का आटा ही घेर दिया। अब तो होती है ये राउंड से बाहर। अरे ना ना रोना ना, ताके हो गया, हम प्रतियोगिता ना जीते हैं तो। अरे भूल गई मैंने क्या कहा था? अरे यो प्रतियोगिता जीतने मिटने से कोई फर्क ना पड़े, इससे थोड़ी ना पता चल रहा है कि कौन अच्छी बहू हो गए। और वैसे भी तन्ने तो अपनी पूरी कोशिश करी है, बस यो जरूरी है। अरे तू चिंता ना कर, तन्ने जो आज इतनी मेहनत करी है ना, इस खातर मैं तन्ने डेट पर ले जाऊं मंजीत के ढाबे पे। इतना होने के बावजूद भी खुश हैं दोनों, मुझे इन दोनों में दरार डालनी ही होगी। और मीठा बनाने के राउंड में बचे हैं सिर्फ 1 मिनट और यो शालिनी भाभी की खीर से आ रही है बहुत ही बढ़िया एकदम इलायची की खुशबू। शालिनी चेची। अरे शालिनी भाभी शाबाश, जान लगा दे अपनी, आज मारे परिवार से किसी ना किसी ने जीतना। हमारे जीतोगा हरपुल। अरे आज ते पहला इनाम हमारे ही घर जावेगा। शाबाश शालिनी। अरे फूलमती, तेरी तो घनी इच्छा पूरी हो गई, प्रतियोगिता के बहाने ही सही आज तेरा सारा परिवार मिलके काम कर रहा है एक साथ। और अब ये तीसरा और आखिरी राउंड समाप्त होगा। 10, 9, 8 बहुत अच्छा बनेगा भाभी देखना। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और इसी के साथ इस प्रतियोगिता का समय हुआ समाप्त। अब सारी बाबियां अपनी अपनी मिठाइयां जजेस को चखाने के लिए परोसन लागरी से।
चला। हाँ भाई बता। वो गिरा दिया। और ये हमारे जजेस सभी की बनाई हुई मिठाइयों को चखते हुए खीर तो बहुत स्वाद बनाई है बेटी, जीजी की याद दिला दी तने। और अब हम तैयार हैं प्रतियोगिता के विजेता का नाम बताने के लिए। वैसे तो यो सालनी में बहुत कांटे लगे, घने नागकनी के जैसे चुभे, लेकिन आज इसने जो खीर बनाई सबसे ज्यादा स्वाद, इसलिए आज का सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पहला इनाम जाता है सालिनी और संतोष के। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए सालिनी भाभी के लिए। एक बात और सुन, फूलमती की छोटी बहू इसकी भी हिम्मत का जवाब दाद देनी पड़ेगी। दूसरे प्रदेश से आके हमारे प्रदेश की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की हिम्मत दिखाई इस छोरी ने। बड़ी झीपट छोरी है यो, जब यो खुद ना जीत सकी तो अपनी जेठानी का हौसला बढ़ाए। यो कोई छोटी बात ना है, बहुत बड़ी बात है। शाबाश। क्या बात है भाई और भाभी, एक बार मोहिनी भाभी के लिए जोरदार तालियां। अरे हर फूल भाई की भी तो तारीफ करते गंगा काकी, भाभी की बहुत मदद की हर फूल ने। रे छोरे, एक दिन मदद करने तक कुछ ना होगा, लुगाई के खाने की रोज तारीफ करनी चाहिए। आया समझ में? सुन लो। जजेस ने भले ही अपना फैसला सुना दिया और शालिनी यो प्रतियोगिता जीत गई, लेकिन मारी नजर में जीतने वाली बहू मोहिनी है। अगर मारा बस चलता तो पहला इनाम मैं मोहिनी ने देता, उसको भले ही खाना अच्छा बनाना आवे या ना आवे। जो बदलाव वो मारे लाडले के भीतर लाई है, गांव की किसी छोरी की भी बस की बात ना है। सालों से मैं अपने लाडले को निकम्मों की तरह आवारागर्दी करते हुए देख रहा, लेकिन आज इस छोरी की वजह से हर फूल अपनी जिंदगी में कुछ करता हुआ लागे है। चाचा चौधरी हर फूल को फाइट करने के लिए मजबूर कर रही है। बाकी गांव के सारे मर्द जमीन पे हल चलावे तो क्या हो गया, कम से कम हर फूल अपनी लुगाई से सीख के खाना तो बना रहा है ना। एक छोरी ने मारे निकम में भतीजे ने यो एहसास दिला दिया कि उसकी असली कला जनानी वाले काम में है, इसलिए मोहिनी और मारे कड़छी बेलन वाले हर फूल के लिए जोरदार तालियां। समझ रहा है ना, ये चाचा चौधरी सिर्फ तुमको प्रवोक, मतलब सिर्फ तुमको गुस्सा दिलाने के लिए ये सब बोल रहा है। अरे लाडले,
कदे कदे सरसों की साग और मक्के की रोटी बना के तावने भी खिला दिया करना। मारे भी। अरे घना काम करे तू तो। आज की प्रतियोगिता में मद्रासन ने खाना बना लिया, लेकिन मन ने लाग गए से कल तक घर की रसोई में हर पल ही रोटी बनावेगा। घना काम करे। हरपुल तुम किसी की भी बात पे ध्यान मत दो। यही तो मैं चाहता था लाडले। यही तुमने क्या किया हरपुर? चाचा चौधरी यही तो चाहता था।